हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर इन गुड। सो गाइस, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग दुबई पहुंच चुके हैं एंड हम होटल में गए, फ्रेशन अप हुए, उसके बाद हम निकल गए थे बाहर। हम गए थे डेरा सिटी सेंटर और वहां पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, खाना वाना खाया। मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड था और बहुत चलना भी था। सो आई एम लाइक कि चलो आज के दिन थोड़ा गैप देते हैं, कल से व्लॉगिंग शुरू करूंगा। तो आज मैं जाने वाला था मैच देखने के लिए अबू धाबी, लेकिन आज का प्लान कैंसिल हो चुका है। सो अभी मैंने अपना कुछ एक प्लान बनाया है। सो अभी वी आर गोइंग टू दुबई मॉल और उसके बाद हम शायद से जाएंगे एक जगह पे, वो जाएंगे तब मैं आपको आगे बताऊंगा ब्लॉग में। ओके गाइस, हम लोग दुबई मॉल पहुंच चुके हैं और राइट नाउ वी आर इन द एप्पल स्टोर। और एप्पल स्टोर में हम लोग क्या करने आए हैं, एप्पल स्टोर में हम लोग पाइनएप्पल खरीदने आए हैं। सॉरी फॉर दिस बैड जोक, बहुत ही बुरा जोक था। सो हम लोग एप्पल स्टोर में आए हैं ऑफकोर्स आईफोन लेने के लिए, और सोनू जो है अब एंड्रॉयड से आईफोन में अपग्रेड कर रही है अपना फ़ोन। सो अभी घर पे पूछ रही है कि मैं लूँ नहीं लूँ, कौन सा कलर लूँ। सो ये है गोल्ड और ये रहा पर्पल। और सोनू तो मतलब अच्छे से लाइफ जी सकती है, देख मैं भी एक किडनी के साथ अपनी लाइफ जी रहा हूँ, तो तू भी जी सकती है अपनी एक किडनी के साथ लाइफ। ओके गाइस, सो हम लोग इस स्टोर में ऑलमोस्ट एक घंटे से हैं एंड नाउ सोनू इज सेइंग कि मुझे फ़ोन नहीं लेना है। तो हम लोग, अगर फ़ोन नहीं लेना है भाई तो आप क्यों आके सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो? वो जो बेचारे एग्जीक्यूटिव थे उनका अपना टाइम वेस्ट किया, मेरा टाइम वेस्ट किया, अपना खुद का टाइम वेस्ट किया, वी आर हंग्री। तो आई एम लाइक कि क्या यार तू भी, तो सोनू ने यार कुछ नहीं लिया। अगर आप दुबई मॉल आ रहे हो तो आप समझ लो कि आपके 20-25-50 हज़ार स्टेप्स होने वाले हैं बिकॉज दुबई मॉल इतना बड़ा है। सो अभी हमने खाना ऑर्डर किया है, फिर आने में भी 15-20 मिनट लगेंगे। तो सोनू कहीं और गई है, मैंने कहीं और से अपने खाना लिया है। भाई साहब इसे तो कैसे ही भूल सकते हैं, सबसे बेस्ट प्लेस लगी मुझे ये, व्हाट एन एक्सपीरियंस। और यहाँ पर लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए और बाकी के लोग यहाँ बाहर से मज़े लेते हुए मेरी तरह बाहर से फोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं और निकल जा रहे हैं। बट वॉट एन एक्सपीरियंस। अगर आप दुबई आए हो और इनसे मुलाकात ना हो तो मज़ा नहीं आता, लगता नहीं है कि आपने दुबई देखा है, कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। सो हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो आई जस्ट थॉट यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं। सो बस पिक्चर्स क्लिक किए, नाउ हम लोग कहीं जा रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कहाँ जा रहे हैं। ओके गाइस, सो राइट नाउ इट्स 7:30 एंड हम बहुत ही थक चुके हैं एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी फ़ोन की बैटरी बहुत ही लो हो चुकी थी, इट वाज ऑलमोस्ट 1 or 2%। और मैंने बहुत जगह ये पोर्ट्स वगैरह ढूंढा, मुझे कहीं पे मिल नहीं रहा था प्लग इन करने के लिए बिकॉज यहाँ पे इंटरनेशनल वाले अलग पिन होते हैं। मेरे पास एक इंटरनेशनल चार्जर है एज इन अडेप्टर, वो मैं इंडिया छोड़ के आया हूँ। सो स्मार्ट प्लग इन पॉइंट ढूंढना था, वहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे तो उनके पास अडेप्टर में एक और USB-C टाइप खाली था। आई सेड मैं प्लीज़ थोड़ी देर चार्ज कर लूँ, उन्होंने मुझे अलाउ किया। सो मैंने ऑलमोस्ट 30-35% चार्ज किया फ़ोन और अभी हम लोग अडेप्टर ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, कहीं मुझे मिल जाएगा तो आई टेक इट यार, बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ। और गाइज, हम लोग को जाना था एटमोसफियर बुर्ज खलीफा में, जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे हाई टी करने के लिए, लेकिन फिर हमें पता चला कि जो रेस्टोरेंट है वो भी बंद है, अंडर रिनोवेशन है। सो वो मंथ एंड में ओपन होगा, बैड लक यार। तो हम लोग ने बस बोबा टी पी, यस मैंने उसके लिए एक शॉर्ट भी बनाया तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके ज़रूर देखना। सो यहाँ पे घूमते घूमते हम एक कॉफ़ी शॉप में आ गए हैं, यहाँ पे ढेर सारे कॉफ़ी मशीन्स हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये पोर्टेबल कॉफ़ी मशीन लो, सो यहाँ पर एक पोर्टेबल कॉफ़ी मशीन भी है ये वाला, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बीच में एक ऊपर यहाँ पे कैप्सूल डालना होता है, नीचे पानी डालना होता है और इसे प्रेस करना होता है पंप को, तो आपकी एस्प्रेसो रेडी हो जाएगी। बट मुझे ये इतना अट्रैक्टिव, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैं देखूंगा और भी जगह, और भी बहुत सारे मिलते हैं। सो यहाँ पे मुझे एस्प्रेसो शॉट दिया है, लेट्स ट्राई। वाओ, काफ़ी इंटेंस, काफ़ी डार्क है ये, मतलब टंग पे जाते ही हिट हुआ मुझे जोर से। सोनू को ट्राई करवाते हैं। सुनो 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 सुनो, ट्राई करना, बहुत यम्मी है। यू सीरियसली मेरे टेस्ट बड खराब कर दिए ले। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पर एक स्टोर में आया था, यहाँ पे बहुत सारे शूज़ मिलते हैं, लाइक इट्स प्यूमा, एडिडास, नाइकी एंड वैंस, कॉन्वर्स, एवरीथिंग। सो मुझे यहाँ पे एक जूते बहुत ही पसंद आए जो मैं बाय कर रहा हूँ अभी, सो आई एम बाइंग दिस शूज, कॉन्वर्स के मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और मैं यूजुअली हाई एंकल्स पहनता नहीं बट मुझे बहुत अच्छे लगे, हम लाइक चलो लेते हैं, कुछ अलग कलर भी है।
वाओ दिस लुक्स कूल है ना। इस बार तो भाई साहब फुल जोरों शोरों में शॉपिंग हो रही है। सो अभी हम लोग आए हैं मैक्स में और मैंने ये जैकेट लिया है, सोनू ये शूज़ बाय कर रही है, ये कुछ उसने पर्स भी लिया है एंड अभी कुछ और ट्राई करने गई है और ये मैं सब इतना लेके घूम रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरे बाइसेप्स या श्योर आई एम कमिंग थैंक यू। मतलब हज़ार बार सोची गई ये लूँ या ना लूँ, ये लूँ या ना लूँ। मतलब मैं सर पे खड़ा था उसके जब ये शूज़ ट्राई कर रही थी, हमने ये तो ले ही ले बेटा, तो अभी सोच मत ज़्यादा। ओ भटकती आत्मा क्या है भाई, चलना क्या लेना है अभी तुझे, क्या कर रही है तू तो? क्या दो मिनट क्या लेना है तो ले के खत्म कर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आस्किंग फॉर द साइजेस इन द कार्ट एंड एवरीथिंग। अरे यू चेक इट नाउ, कब साइज चेक करके आएगी? हम लोग अभी जस्ट दुबई मॉल के बाहर निकले हैं और लुक एट दिस, कितना क्राउड है यहाँ पे, और बाप रे बाप। आई थिंक अभी यहाँ पे फाउंटेन शो शुरू होने वाला है, इसलिए सारे लोग जमा हो चुके अपना फ़ोन रेडी करके। एंड अभी यस मैंने कॉफ़ी ली टी मॉर्टन से और मैंने उनकी जो ग्राउंड कॉफ़ी आती है मीडियम रोस्ट, मैंने वो भी ली बिकॉज मुझे बहुत ही यम्मी लगी है। एंड अभी अभी रिसेंटली मुझे कॉफ़ी का कुछ ज़्यादा यू नो क्रेज़ होने लगा है। मुंबई में तो हाथ दिखा के टैक्सी ले लो, लेकिन यहाँ पे ऐसे लाइन लगती है टैक्सी के लिए। लुक एट द लाइन। आई एम सो टायर्ड गाइस, मैंने फ्लैट्स पहने हुए, इतने पैर दर्द हो रहे हैं, ऊपर से इतना सारा वजन है, वजन मेरा जो है रिलैक्स मोड चालू हो गया। मतलब यहाँ पे पकड़ पकड़ के थैलियाँ फट चुकी है। हे गाइस, हम लोग फाइनली होटल पहुंच चुके हैं एंड राइट नाउ इट्स 2:40, रात के 2:30 बज रहे और हम लोग अभी तक जगे हुए हैं और अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं। सो यस एक्चुअली हम लोग दुबई मॉल में थे, हमने तो बाय द वे इस बार बहुत सारी शॉपिंग की, पीछे आप देख सकते हैं सब मेस पड़ा हुआ है, देखना मत बहुत मेस पड़ा हुआ है, लेकिन आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ली है एंड मे बी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ डेफिनेटली सारी चीज़ें शेयर करूंगा। और हमने होटल पहुंचने के बाद कुछ खाना ऑर्डर किया बिकॉज अभी भूख लग रही है हमें, और कल हम जा रहे हैं फाइनली मैच देखने के लिए। हमारा 11 बजे का कॉल टाइम आ चुका है तो कल जल्दी उठना है, फ्रेशन अप होना है, ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल जाएंगे दुबई स्टेडियम के लिए। सो गाइज नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना। सो बस आज के इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू गाइज लाइक दिस वन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू, बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना, इट्स गोइंग टू बी बूम। बाय बाय गाइज, मेरा हाथ दिख रहा होगा, बाय।